हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अदर वीडियो। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं राजकुमार राव और जानवी कपूर की मूवी मिस एंड मिसेस माही को। तो अपना ओपिनियन और रिव्यू देने से पहले मैं आपको पब्लिक का ओपिनियन और रिव्यू दिखाता हूं। कैसी लगी मिस एंड मिसेस माही? अमेजिंग था, लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूं कि आई एम नॉट अ क्रिकेट लवर, तो जो भी क्रिकेट पे बेस्ड फिल्म होती है मुझे पर्सनली पसंद नहीं आती, थोड़ा बोरिंग थी। बस एंड में थोड़ा सा मसाला डाल देते हैं और 10 मिनट का सस्पेंस जो है ऑडियंस को ताली बजाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फिल्म में भी कुछ होना चाहिए यार, मतलब पूरे शुरू से लेकर एंड तक बहुत बोरियत थी। मतलब मुझे पर्सनल लगा क्योंकि मैं क्रिकेट वाली फिल्में ज़्यादा पसंद नहीं करता, ना मुझे क्रिकेट ज़्यादा पसंद है। बट ठीक है, मतलब जानवी कपूर जब भी एक्टिंग करती है तो धमाल करती है। मतलब कि अगर आपको कंपेयर करना हो राजकुमार राव और जानवी कपूर को? नहीं, ये एक्चुअली जानवी कपूर ओरिएंटेड फिल्म है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जी सिनेमा जो है, जी म्यूजिक जो है, इससे ऐड है धर्मा प्रोडक्शन से। और जी म्यूजिक जो है बोनी कपूर की कंपनी है, मतलब बोल सकते हैं कंपनी है, और वो श्रीदेवी उनकी बेटी है। तो ऑफकोर्स श्रीदेवी पर ज़्यादा फोकस रख के फिल्म बनाई गई। जी, तो कितने स्टार दोगे भाई फाइव में? ऑफ कोर्स 3। भाई कैसी लगी मूवी? इट्स अ गुड मूवी। मतलब राजकुमार और जानवी कपूर में कैसा काम अच्छा लगा? राजकुमार राव यार, वो ज्यादा बेटर लगे। अच्छा, रणवीर सिंह लगे बेसिकली। ओके, और बाकी ओवरऑल मतलब कितने स्टार देना चाहोगे मूवी? 2.5। ओके, थैंक यू। कैसी लगी आपको मूवी? स्टोरी वाज बिट गुड, इंटरवल से पहले थोड़ा सा स्लो था, बट इंटरवल के बाद में मतलब आपको थोड़ा सा कहते हैं ना कि पेशेंस बना के रखना पड़ेगा अगर आपको मूवी के एंड तक प्रॉपर उसका जानना है कि किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया गया है। और एक्टिंग तो ऑब्वियसली राजकुमार राव की बहुत ही अच्छी थी, एंड जानवी कपूर यू नो उनको कह सकते हो उभरता हुआ सितारा तो वो है ही, तो एक्टिंग ओवरऑल बहुत अच्छी थी। 5 में से 4.5 मैं रेटिंग देना चाहूँगा। कैसी लगी आपको मूवी? मूवी एवरेज रही, बहुत बढ़िया तो नहीं एज पर एक्सपेक्टेड, जो हम सोच के आए थे करण जौहर की मूवी और जानवी कपूर आफ्टर सो मेनी डेज, सो इट वॉज नॉट दैट ग्रेट, बट हाँ वन टाइम वॉच है व्यूअर्स के लिए। मतलब किसकी एक्टिंग अच्छी लगी, राजकुमार और राजकुमार की? ओके, जानवी कपूर से बेटर राजकुमार की। और अगर मतलब 5 में से आपको स्टार देने कितने दोगे? मैं तो 3 ही दूंगी वन टाइम वॉच के लिए। तो कैसी लगी आपको मूवी? बहुत एवरेज है, मुझे स्क्रिप्टिंग अच्छी नहीं लगी, बहुत प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन है। आपको एक लाइन में बता सकती हूँ स्टोरी क्या है, मतलब आपको पता है क्या होगा, जो आपने ट्रेलर देखा बस वही है, कुछ नहीं है उसके। और एक्टिंग वाइज किसकी एक्टिंग अच्छी लगी आपको? एक्टिंग एवरेज आई थिंक दोनों की, बिकॉज देयर वाज नथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स इन द कैरेक्टर्स, देयर वाज नथिंग टू अपलिफ्ट, तो उन्होंने आई एंड बस बहुत एवरेज एक्टिंग की। अच्छा, दोनों ने एवरेज एक्टिंग की? हाँ, मतलब कोई आपको चैलेंजिंग नहीं लगा मुझे। अच्छा, और अगर 5 में से स्टार देने हो कितने स्टार दोगे? ओके, थैंक यू। भाई कैसी लगी मूवी? मूवी एवरेज है, सिर्फ राजकुमार राव की जो एक्टिंग है वो सही लगी है, बाकी प्रिडिक्टेबल था कि हाँ अब ये होगा। एंडिंग ऑब्वियसली हैप्पी होगी तो वही पता था। तो मतलब क्रिकेट लवर्स को पसंद आएगी ये मूवी? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ऑनेस्टली थोड़ा विमेन सेंट्रिक है, तो आपने कहा स्टेडियम पूरा खाली पड़ा था विमेन सेंट्रिक के टाइम पे। और जैसे जानवी कपूर को बोलते कि एक्टिंग नहीं कर पाते, तो इस मूवी में कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा लोगों को बुरा लगेगा कि उन्होंने एक्टिंग करी है, एंड अच्छी करी है, बट राजकुमार राव को मतलब राजकुमार राव के सामने वो नहीं कह पाया। लेकिन हाँ, उनकी एक्टिंग जो पिछली मूवीज से थी गुंजन सक्सेना, उससे तो काफ़ी अच्छी करी है। तो 5 में से कितने स्टार? 5 में से 3। लगी आपको मिस्टर एंड मिसेस माही? वन टाइम वॉच। और एक्टिंग किसकी अच्छी लगी आपको? जानवी कपूर की रिफ्रेशिंग चेंज लगा, मतलब ऐसा एक्टिंग वाइज तो मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ही कमाल कुछ कर दिया, लेकिन हाँ जानवी हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। और राजकुमार राव को तो ऐसा लग रहा था कि फ्रेम चेंज कर दो, टाइटल्स चेंज कर दो, एज इट इज है। अच्छा, मतलब राजकुमार राव की एक्टिंग अच्छी लगी आपको? नहीं लगी, मतलब अच्छा, नहीं लगी। ऐसा कुछ खास नहीं लगा। अच्छा, तो मतलब क्रिकेट लवर्स को ये पसंद आएगी मूवी की नहीं? किनको? जो क्रिकेट लवर्स, इनको क्रिकेट देखना अच्छा लगता है? इट वॉज मोर अबाउट ड्रामा, आई डोंट थिंक इसमें क्रिकेट का कोई जो वो, अगर आप 83 देखें या कोई भी चक दे देखें, कोई भी स्पोर्ट्स ड्रामा देखें, तो वो जो एड्रेनलिन रश होता है ना वो इसमें मिसिंग था। मतलब वो शॉट लग भी रहे थे तो भी ऐसा नहीं हो रहा था कि हाँ नहीं, ओ माय गॉड शॉट लग रहा है। ओके, सो 5 में से कितने स्टार हो गया? 2.5। तो भाई कैसे लगी मूवी? भाई मिस्टर मिसेस माही देखी, एंड मूवी मैं सही बताऊं तो मेरे को सही लगी मूवी, बुरी तो नहीं लगी, फैमिली मूवी लगी। आजकल क्या है ना कि लोगों को इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने की आदत हो गई है भाई,
कि वो कोई सिंपल स्टोरी लाइन को एंजॉय नहीं कर पाते। सो ये उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जिन्हें बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न सस्पेंस देखने की आदत है, यू नो। सो इट्स जस्ट अ सिंपल फैमिली मूवी विच यू कैन वॉच एंड चिल आउट विद योर फैमिली। यू कैन कम एंड सिट एंड वॉच सम मूवी। ना वल्गैरिटी, ना कोई ऐसा कोई गंदा सीन, ना कोई ऐसी पति पत्नी का नाम है मिस्टर एंड मिसेज माही कि उसके बीच में किस तक नहीं दिखाई यार। सो करण जौहर की फिल्म होते हुए भी किस तक ना दिखाना बहुत बड़ी बात है यार। सो इट्स अ फैमिली मूवी एंड यू शुड रियली वॉच इट। और एक्टिंग किसकी अच्छी लगी? दोनों की बढ़िया लगी मेरे को यार। जानवी कपूर को अगर हम शुरू से देखें तो अब तक उन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट करी अपनी एक्टिंग में। एंड राजकुमार राव की तो तारीफ करनी, क्या है बंदा, अच्छा है यार, वो तो पानी है, किसी भी में डाल दो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। सो राजकुमार राव की शुरुआत से परफॉर्मेंस देख रहे हैं, उनकी भी एक्टिंग में इतनी इंप्रूवमेंट देख के भाई आई रियली लव इट। तो पार में से कितने स्टार दोगे? मूवी डिजर्व करती है 4 स्टार, मगर क्योंकि कहानी में थोड़ा सा इन्होंने ऐसा कर दिया कि प्रेडिक्टेबल बना दिया। सही है, स्मूथ है, नो डाउट, लेकिन प्रेडिक्टेबल नहीं बनाना चाहिए था उसको, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके कुछ दिखाना चाहिए था, जो कि लगता है, बट इसलिए 3 स्टार 5। कैसी लगी मूवी आपको? मुझे बहुत प्रेडिक्टेबल मूवी लगी, मेरे को खास पसंद नहीं आई। ऑल्सो मैं एम नॉट अ क्रिकेट लवर, बट मैंने ये देखा कि उसने मेहनत बहुत करी है क्रिकेट में, ये मैंने। जानवी कपूर ने? हाँ बिल्कुल। और राजकुमार राव की एक्टिंग कैसी लगी आपको? आई लव्ड हिम, आई लव्ड हिज एक्टिंग, बट आई हेटेड हिज कैरेक्टर, तो दैट मेक सेंस कि आई लव्ड हिज एक्टिंग। ओके, और मतलब स्टोरी कैसी लगी आपको? मतलब लगता है कि क्रिकेट लवर्स को अच्छी लगी है? अच्छी लग सकती है क्योंकि मेरे साथ देखिए साथ ही क्रिकेट लवर बैठा था, एंड वो देखिए ये वाली बॉल डालेगी, मैं ये वाली बॉल डालेगी। इट्स वेरी एंगेजिंग टू क्रिकेट क्रिकेट लवर्स आई थिंक सो। बट स्टोरी वाइज इट्स वेरी प्रेडिक्टेबल, लाइक कम ऑन, मैं अगला सीन में लिख देती इतनी प्रेडिक्टेबल थी वो। तो 5 में से कितने स्टार दोगे? आई गिव इट 2.5, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द यू नो मैनर एंड दैट थिंग आई गिव इट 3। तो ये तो था पब्लिक ओपिनियन और रिव्यू, अब मैं अपना रिव्यू देता हूँ आपको। तो पहले बात करते हैं मूवी में एक्टिंग के बारे में। तो राजकुमार राव ने मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया भाई, उस बंदे की बात करना मतलब कहना ना कि एक मजदूर को मजदूरी सिखाने के बराबर है। मतलब बहुत बढ़िया एक्टिंग करता है वो बंदा, किसी भी मूवी में उसको कोई भी रोल दे दो बिल्कुल जस्टिफाई करता है। इसमें भी एक मतलब जेलस हस्बैंड और कह सकते हैं कि मतलब एक ओवर एम्बिशियस बंदे का रोल उसको मिला था, उसने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है। जानवी कपूर के बारे में बात करें तो लास्ट कुछ मूवी जैसे कि गुंजन और बवाल में जो रोल और एक्टिंग थी, वैसे सेम काइंड का रोल है इस मूवी में भी। तो मतलब कुछ खास डिफरेंस मुझे तो नहीं दिखा एक्टिंग में, बट कह सकते हैं कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट था लास्ट जो मूवीज थे उससे, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट था एक्टिंग में। बाकी जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं सब ने अच्छी एक्टिंग करी है इस मूवी में। तो एक्टिंग कह सकते हैं कि एक्टिंग इस मूवी में सारे बंदों की एक्टिंग अच्छी थी। अब बात करते हैं स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी के जैसे हमने ट्रेलर में देखा था कि एक राजकुमार राव का कैरेक्टर जो है वो क्रिकेटर बनना चाहता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बन पाता है। और वो जानवी कपूर को आगे चल के अपनी वाइफ को कोच करता है, मतलब इंडियन वुमेन क्रिकेट में सेलेक्ट होने के लिए। तो मूवी उसी के ऊपर है कि क्या उसका सिलेक्शन होता है, क्या सिलेक्शन नहीं होता, क्या उनके रिश्तों में दरार आती है, क्या होता है, इसी के ऊपर मूवी है। तो जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा था कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मूवी की स्टोरी में, सेम वैसी स्टोरी है। तो स्टोरी हम कह सकते हैं कि स्टोरी एवरेज थी इस मूवी की। यू आर राइट ब्रो। और अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी स्मूथ डायरेक्शन था, मतलब स्टोरी में ज़्यादा कुछ दम था नहीं। मतलब जो एक सिंपल मूवी होती है, मतलब कुछ ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न को ज़्यादा भयंकर क्लाइमेक्स नहीं थी, प्रेडिक्टेबल मूवी थी। तो डायरेक्शन भी उसी के हिसाब से था, डायरेक्शन भी हम कह सकते हैं कि अबव एवरेज और गुड के बीच में था। क्या बात करता है यार। तो ये तो था मेरा ओपिनियन इस मूवी के बारे में। अब मैं वर्डिक्ट देता हूँ इस मूवी का। इस मूवी को मैं 3 स्टार्स दूंगा आउट ऑफ 5, वो भी मैं राजकुमार राव की वजह से इस मूवी को 3 स्टार देता हूँ। वरना ये मूवी बहुत ज़्यादा एवरेज थी, मतलब कुछ था नहीं, सब कुछ प्रेडिक्टेबल था। फिर भी आप ये फैमिली के साथ मूवी देख सकते हो जाकर, मतलब काफ़ी प्लेन मूवी है। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आपको मतलब देख के लगा कि भाई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस मूवी में कुछ नहीं था, मतलब सिंपल मूवी थी, लेकिन फिर भी आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो इस मूवी को थिएटर्स में। तो ये तो था मेरा रिव्यू। अपना रिव्यू आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको ये मूवी कैसे लगी। अगर आप देखने वाले हो ये मूवी थिएटर्स में जाके, तो आप बताना कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सी यू ऑन द अदर वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय।